हाँ भाई एक बार आप ओबीएस में चले जाओ अभी और मैं बोलू तब रिकॉर्डिंग चालू कर लेना रिकॉर्डिंग चालू किया है क्या अभी तक नहीं किया ना चलिए अब मेरे हिसाब से आप रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अरे एक बार गुड मॉर्निंग तो बोलो यार गुड मॉर्निंग टू यस गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से कैसे है सब लोग होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो कल आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे हाउस प्रॉपर्टी के और हाउस प्रॉपर्टी के कुछ होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन दिए थे होप्सो so आपने ऐसा किया होगा ऐसा मेरा मानना है देखते हैं कितने किए कितने नहीं किए तो उसकी अपन बात करेंगे तो सबसे पहले आपने कल क्वेश्चन किए थे या नहीं किए कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में थे बताओ ना बराबर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सिक्स था तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो था उसका सॉल्यूशन यहीं पे दे रखा था सो ऑल पीपल क्वेश्चन नंबर सिक्स जो था उसका सॉल्यूशन यहीं पे दे रखा था जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आज आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो वहीं पे देखो करके ठीक है मिस्टर मानस ओन्स हाउस प्रॉपर्टी वन एट बॉम्बे वेयर एंड हिज फैमिली रिसाइड एंड अदर एट दिल्ली विच इज अनऑक्यूपाइड मीन उसके पास दो घर है मानस के पास में एक तो बॉम्बे में है जहां पे उसकी फैमिली रहती है और दूसरा जो है वो दिल्ली में है जो कि अनऑक्यूपाइड है ऐसे ही खाली पड़ा है लिवस इन चंडीगढ़ वो बंदा चंडीगढ़ में रहता है फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट परपज इन द रेंटेड हाउस चंडीगढ़ में वो रेंटेड हाउस में रहता है फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे लोन ऑफ द थर्टी लैख एट द रेट टेन परसेंट पर एन एम सो थर्टी लैख एट द रेट टेन परसेंट पर एन एम मीन थ्री लैख का इंटरेस्ट रहेगा ठीक है ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू

आपको यह बताना है कि उसको इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा तो एक बात बताओ उसके पास एक घर है जो बॉम्बे में है जिसकी उसकी फैमिली रहती है और एक घर है जो दिल्ली में है जो अनऑक्युपाइड है एक बात बताओ दोनों ही एसओपी माने जाएंगे दोनों ही एसओपी माने जाएंगे तो एसओपी के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलता है टू लाख तो देखो यहां पे दोनों ही एसओपी माने जाएंगे तो देखिए क्या दे रखा है मिस्टर मानस कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू उसका जो नेट एनुअल वैल्यू है वो निल रहेगा क्योंकि एसओपी में नेट एनुअल वैल्यू निल रहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे एंड दिल्ली सिंस नो बेनिफिट इज डिराइव बाई हिम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी एंड ही कैन नॉट ऑक्यूपाई सच प्रॉपर्टी ड्यू टू द रीजन दैस एम्प्लॉयमेंट इज एट चंडीगढ़ वेयर ही लिवस इन द रेंटेड हाउस तो कल मैंने आपको बताया था एसओपी किसको बोलते हैं दो प्रॉपर्टी को एसओपी बोलते हैं एक तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद ही रहते हो आपकी फैमिली रहती है या कोई अनऑक्यूपाइड है ड्यू टू द रीजन दैट आप कहीं और जॉब कर रहे हो उसकी वजह से वो अनऑक्युपाइड है तो उसको भी आप एसओपी ले सकते हैं तो यहां पे आप देखोगे बॉम्बे वाला जो घर है उसमें थर्टी लेख का लोन है टेन परसेंट का इंटरेस्ट है तो यहां पे टोटल थ्री लैख रुपीज का आपका इंटरेस्ट हुआ एंड दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू टू लेख क्योंकि ले रिपेयर वाले का पचपन हजार है और दो लाख के के से ज्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकते मैक्सिमम तो आपका डिडक्शन है वो दो लाख रहेगा सो दिस वॉज वन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स है यह होमवर्क में था उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थर्टीन पैटर्न नहीं तो जैसे कल मैंने लिखवाया था ए बी वैसा करके कि ए में आप पहले हाउस का ले लो फिर बी का ले लो वैसा भी आप कर सकते हो सिमिलर था क्वेश्चन नंबर पे आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं अरे लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं है? तो लास्ट ईयर में उसने घर बेच दिया लास्ट ईयर में उसने घर बेच दिया अब हुआ क्या इन जून 2023 जून 2023 इस साल की बात हो रही है ही रिकवर द रेंट ऑफ 10000 फ्रॉम द गौरव टू whom he had let out this house property for the two years from april 2017 to march 2019 उसने क्या किया एक बंदा है गौरव गौरव को ये property लेट out की थी जिसका 10000 का जो रेंट था वो अभी रिकवर हुआ

टेन so, थाउजेंड है ये आपका इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा इन द प्रीवियसेंटी टू ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में टैक्सेबल होगा बट टैक्सेबल पूरा होगा या सिर्फ सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट नेक्स्ट पार्ट फर्दर ही लेट आउट प्रॉपर्टी इन अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन टू फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये भी लास्ट ईयर तक की बात कर रहा है टू मिस्टर सतीश सतीश को लेट आउट किया था इन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ही हैड

हाँ? क्या मैं समझा हाँ हाँ तो करंट ईयर में टैक्सेबल होगा लिखा है ना क्या लाइक आपसे पूछा है वॉट वुड द रिकवरी ऑफ अनियलाइज रेंट एंड अडियस ऑफ रेंट बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ आनंद क्या ये टैक्सेबल होगा एंड इफ सो अगर ऐसा है तो कौन से ईयर में होगा तो टैक्सेबल होगा आपको बताना पड़ेगा कि यस टैक्सेबल होगा थर्टी परसेंट का डिडक्शन अलाउ होगा एंड उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में ये हो रहा है। डन। उसके रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कलकत्ता अलोंग विथ हर सिस्टर डिम्पल तो अपर्णा तो और डिम्पल दो बहनें हैं हर सिस्टर फैमिली रिसाइड, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी दोनों का इक्वल शेयर प्रॉपर्टी में दोनों फिफ्टी फिफ्टी परसेंट की ओनर है एंड सेम इज यूज बाय देम फॉर द सेल्फ ऑक्युपेशन इस घर को वो सेल्फ ऑक्युपाइड बना रखा है इंटरेस्ट इज केबल इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ रूपीज फिफ्टी लैख फिफ्टी लैख का लोन है जिसपे टेन परसेंट की रेट से इंटरेस्ट है ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर एक्विशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इन एडिशन द अपर्ना ओन्स अ फ्लैट इन पुणे इन विच शी एंड हर पेरेंट्स रिसाइड लोन ऑफ थ्री लैक एट द रेट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम ऑन टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर रिपेयर ऑफ दिसर्ण डिपल अंडर द सेक्शन ट्वेंटी फोर बी फॉर द असमेंट एट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी आपको यह बताया इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा तो देखो अगर मैं बात करू पहले तो अपर्णा की तो अपना जो एक घर है उसमें वो को ओनर है डिम्पल के साथ

तो दो लाख यहां पे अपर्णा को अलाउ होगा और दो लाख डिंपल को अलाउ होगा तो दो लाख अपर्णा को अलाउ होगा और दो लाख डिंपल को अलाउ हो जाएगा तो बेटा ये जो 50 का टेन परसेंट मीन इंटरेस्ट है इसमें से टू लेख है वो अपर्णा को अलाउ होगा और टू लेख का इंटरेस्ट डिंपल को अलाउ होगा मीनस दोनों की नेगेटिव इनकम दो दो लाख आएगी अब एक बात समझना अपर्णा के केस में एक और घर ऐसा है जिसमें अपर्णा और उसके पेरेंट्स रहते हैं

एक और क्वेश्चन होमवर्क में था कौन सा सो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वॉज इन द होमवर्क सो सेवनटीन आप लोगों ने ट्राई किया है क्या सेवनटीन है वो होमवर्क में था क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आ जाइए मिस्टर विकास ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी हुज प्रॉपर्टीपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट इज नाइनटी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स एंड वन जीरो पर एन एम रेस्पेक्टिवली मीन हर साल का जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो नाइनटी सिक्स थाउजेंड है

जून 2016 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था एंड कंप्लीटेड ऑन विकास ऑफ़ लाख बिल्डिंग ही पेड इंटरेस्ट एट द रेट 12 पर एनम एंड एवरी मंथ ऑफ सच इंटरेस्ट वाज़ पेड तो बेसिकली वो 12 पर एनम की रेट से इंटरेस्ट है वो पे करता है कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ विकास फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इफ ही ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन वन वन फाइव बी सब सेक्शन वन ए आप में से कितने लोगों का आंसर आया इसका और आंसर आया तो क्या आया बताइए ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ये आंसर आया लोगों का ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स आंसर आया एक बार जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी मैं देख लेता हूं उनका यूट्यूब पे आंसर आया होगा उनका यूट्यूब पे आंसर आया होगा तो मुझे बताइए क्या आंसर आया ट्वेंटी थाउजेंड नाइन फोर्टी आया नाइन थर्टी सिक्स को आपने राउंडेड ऑफ किया तो नाइन थर्टी सिक्स को जब आपने राउंडेड ऑफ किया तो यहां पर नाइन फोर्टी आंसर आया सब लोगों का ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी या थर्टी सिक्स ये आपका आंसर है चलो मैं इसको कराऊं या आप लोगों का आंसर आ गया करवा दो चलो मेरे पास बुक थी मेरी पता नहीं कहां चले गई मुझे एक बुक दे दो ना जो आगे लोग बैठे हैं उनके पास 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 में रहे चलो तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आ जाओ सब लोग फटाफट सब लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आ जाइए सब लोग चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पे आ जाइए आप लोग पेज नंबर कौन सा है फोर्टी सेवन बंदे का नाम है मिस्टर विकास प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सेसमेंट ईयर फोर ट्वेंटी आपको निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है तो बेटा यहां पे दो कॉलम बनेंगे एक तो एसओपी वाला कितना है टू थर्ड है हा और एक एलओपी है कितना वन थर्ड तो एलओपी वन थर्ड और एसओपी आपका टू थर्ड आप कॉलम बना दीजिए फटाफट आप लोग फटाफट आप बोलोगे तो मैं कॉपी करूं नहीं तो नहीं करूं नहीं नहीं। क्या हुआ एसओपी एलओपी अब एक बात समझना यहां पे जो आपका म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट वगैरह जो है वो मैं यहां से कॉपी एक बार कर ही लेता हूं आप बोल रहे हो तो नहीं तो मैं नहीं करता आप जब बोल रहे हो तो कर रहा हूं नहीं तो मैं नहीं करता ठीक है आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि सर कर लो तब मैं कॉपी कर रहा हूं तो यहां पे आप देखोगे हां चलिए अब अपन एक काम करते हैं एसओपी के के केस में तो हर चीज क्या आती है डैश पे डैश सब चीजें आपकी डैश पे डैश आती है सीधा नेट एनुअल वैल्यू से चालू करने का और सिर्फ इंटरेस्ट लेस होता है अपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर दे क्या पहले बेटर रहेगा ना तो अपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर देते हैं तो मुझे एक बात बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन सब लोग इधर ध्यान देंगे और हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो करने वाले हैं तो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो करने वाले हैं तो मुझे बताइए आपने लोन कितने का लिया एक लाख रुपए का लोन लिया और ये कौन से ईयर में लिया था जुलाई 2016 को लिया था और अभी तक इन्होंने ये बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग है अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट पे थोड़ी किया है नहीं किया ना तो अभी तक पेंडिंग है तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर सोलह सत्रह से अब एक बात बताओ इसने पहले जो फर्स्ट जुलाई 2016 को लिया था लोन हाँ भाई तो 1 जुलाई 2016 को लिया मेंस इसका मतलब आपका वन लेक का इंटरेस्ट इस साल में कितना परसेंट था क्या परसेंट है 12 परसेंट मल्टीप्लाई पे नाइन मंथ का रहेगा हाँ तो कितना नाइन थाउजेंड और एक बात बताओ अगले साल से हर अगले साल से आपका हर महीने का कितना रहेगा बारह हजार बारह हजार उसके बाद हर महीने ब हर महीने बारह हजार हर महीने बारह हजार हर महीने बारह हजार हाँ भाई हर साल सॉरी सॉरी हर साल बारह हजार सॉरी सॉरी माई बैड अब एक बात बताओ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कौन से ईयर में हुआ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट दे रखा है नाइनटीन ट्वेंटी तो एक बात बताओ, मैं नाइनटीन ट्वेंटी को छोड़ दू इसके पहले का जो ये इंटरेस्ट है ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा हा भाई तो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट रहेगा तो आपका कितना थर्टी थ्री थाउजेंड आया तो थर्टी थ्री थाउजेंड डिवाइड बाय कितना होगा तो हर महीने कितना आया हर साल कितना आया हजार छह सौ आया तो इस साल ऐड कर दो छह सौ एक साल ये दो साल ये तीन साल ये चार साल और ये पांच साल तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो इस साल का आपका इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो इस साल का टोटल इंटरेस्ट हुआ आपका एटीन थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड सिक्स इंटरेस्ट अब एक बात बताइए ये जो 18, का इंटरेस्ट आया मैं बताऊं ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होगा एक तो आपके एसओपी में और एक आपके एलओपी में तो एक तो एसओपी कितना टू थर्ड है और एलओपी कितना है एलओपी आपका वन थर्ड है तो मुझे बताइए एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई टू थर्ड कितना होता है ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड और बेटा वन थर्ड कितना होता है सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सो सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सो ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड है ये आपका इंटरेस्ट आया तो एक बात बताओ एसओपी में तो आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरा दो लाख तक अलाउ होगा तो यहां पे ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड नेगेटिव और यहां पे सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड नेगेटिव अब आप एक बात समझिए यहां पे फॉर एन एग्जांपल एग्जांपल क्या सही से है आप बटावट म्यूनिसिपल वैल्यू वगैरह बता दो तो कितना है म्यूनिसिपल वैल्यू डिवाइड बाय वन थर्ड करोगे कितना आया थर्टी पेरेंट रेंट कितना है फोर्टी टू थाउजेंड हायर कितना आया फोर्टी टू थाउजेंड स्टैंडर्ड रेंट कितना है? हा तो लोअर कितना आया एक्चुअल रेंट कितना है सिक्सटी थाउजेंड सो हायर कितना आया सिक्सटी थाउजेंड म्युनिसिपल टैक्सेस कितना परसेंट है इलेवन परसेंट ना तो इसका इलेवन परसेंट कितना आया थ्री फाइव ये लेस कर दो कितना बचा फोर एट जीरो और स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट सिक्सटीन थाउजेंड नाइन फोर्टी फोर तो माइनस में इनकम माइनस पॉजिटिव कितना आया इनकम थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी सिक्स तो नेट इनकम कितना आया ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स तो यही आंसर आया था क्या आपका तो सही तो था तो फिर क्यों कराया मेरे से हाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ये हाँ ये लास्ट वाला पॉजिटिव है थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी थ्री थर्टी सिक्स इज पॉजिटिव हाँ कॉपी करिए इसको जिन लोगों ने नहीं किया कॉपी करिए बट आप प्री और पोस्ट को कैसे डिवाइड करते फिर नहीं नहीं राउंड ऑफ आप नहीं करना है यहां पे राउंड ऑफ होती है टोटल इनकम जब पांचवा हेड की ग्रॉस टोटल इनकम फिर आप डिडक्शन लोगे उसके बाद राउंड ऑफ होगा तो अभी आप राउंड ऑफ नहीं करोगे तो चलेगा यहां पे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है आप राउंड ऑफ यहां करने की जरूरत नहीं है 20936 इज योर राइट आंसर योर राइट आंसर। डन पीपल हाँ टेस्ट आप लोगों ने किया क्या ऑनलाइन वाले बच्चों अरे वो जो आपको फर्स्ट टेस्ट दिया था वो टेस्ट आपने किया या नहीं किया जितने भी ऑनलाइन के बच्चों हो ऑनलाइन के बच्चों आपने टेस्ट किया या नहीं किया जो टेस्ट पेपर नंबर वन था टेस्ट पेपर नंबर था वो आपने किया या नहीं किया हां जिन लोगों को आज क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे आपको ये रिकॉर्डेड मिलेगा लेक्चर तो रिकॉर्डेड में आप देख लेना करिए ठीक है और आपका व्यू एग्जॉस्ट हो जाए तो मैं इंक्रीज करा दूंगा आप टेंशन मतलब उस चीज चलिए अब अपन टेस्ट पेपर जो आपका था उस टेस्ट पेपर में क्या क्या था वो अपन चेक कर रहे हैं जो टेस्ट पेपर था उस टेस्ट पेपर को एडजस्ट कर रहे हैं हां भाई अपन टेस्ट पेपर जो था आपका टेस्ट पेपर नंबर वन जो आपको बेसिक एंड कुछ हाउस प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चन दिए थे कुछ पहले टॉपिक के भी क्वेश्चन दिए थे तो चलो अपन देखते हैं इस पेपर में क्या है देखते हैं आपके कितने मार्क्स आएंगे एमसीक्यूज में 18 मार्क का पेपर था एमसीक्यू वाला सो लेट्स 18 में से 18 किसी को आए गया अब आंसर देख के मत बोलना क्या पता अच्छा तुम्हारे पे सॉल्यूशन नहीं आया ओ तो तो यही बिडू अब आएगा ना मजा करके ठीक है मेरे को सोच मैंने सोचा आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा नहीं मिला तो चलो आपके 18 में से कितने मार्क्स आएंगे देखते हैं और जिन लोगों ने ये टेस्ट पेपर अभी तक अटेंड नहीं किया है आप अपने पास में सॉफ्ट कॉपी लेके बैठ सकते हैं जिससे आप भी साथ साथ में ट्राई कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना एक सही होता है ठीक है चलिए मिस्टर विकास टूक अ लोन ऑफ 15 लैक एट द रेट 10 परसेंट वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन यहां पर एसओपी है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगे इन द जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड वॉज कंप्लीटेड ऑन द थर्टीएथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को कंप्लीट हो गया ही नॉट रीपेड द एनी अमाउंट ऑफ लोन सो फार उसने अभी तक लोन का कोई रिपेमेंट किया नहीं है आपसे पूछा है कि उसका इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा आपको यह बताना है उसका इंटरेस्ट इस साल में कितना अलाउ होगा तो मुझे एक बात बताइए आप लोग इसने जो लोन लिया था वो लोन कौन से ईयर में लिया था 21-22 में लिया था तो प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 22-23 एंड प्रीवियस ईयर 23-24 भाई तीन साल अपन ने प्री और पोस्ट वाला 21-22, 22-23 एंड अब एक बात समझना सबसे पहले आपका जो अमाउंट है वो फिफ्टीन लैख का कितना परसेंट है टेन परसेंट तो टेन परसेंट कम्स टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इस साल का वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इस साल का एंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इस साल का मुझे एक बात बताइए कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ कौन से ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ट्वेंटी थ्री इसी साल हुआ तो इस साल हुआ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो मैं बोलू ये पहले का इंटरेस्ट है ये प्री में जाएगा तो आपका प्री में कितना गया थ्री लेख गया डिवाइड बाय फाइव करिए कितना आता है सिक्सटी थाउजेंड तो मैं बोलू इस साल आपका 60, का इंटरेस्ट और आ जाएगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा टू लेख टेन थाउजेंड बट हाउस आपका क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको दो लाख का मिलेगा सो राइट आंसर इज अ सी इज द राइट आंसर कितने लोगों का सी राइट आंसर था वेरी गुड बाकी लोगों ने किया ही नहीं होगा किया ही नहीं किया था तो आपने दो लाख दस हजार लिया था क्या एसओपी नहीं पढ़ा था oh! चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं जिन जिनका आंसर सी आया अच्छी बात है जिनका सी नहीं आया कोई बात नहीं अगले वाले आंसर में देखेंगे मिस्टर अजय ज रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर एक डॉक्टर है ही ज्वाइन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल इन दिल्ली ऑन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को इसी साल उसने टोटल इनकम ऑफ थ्री लैखी थाउजेंड टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इस साल का उसका इनकम थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड है सिर्फ हिज एम्प्लॉयर एडवाइज हिम टू क्लेम द रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए वाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट फोर ट्वेंटी फाइव अप्रोच हिज फादर अ टेक्स प्रोफेशनल उसके पापा टेक्स प्रोफेशनल है और बेटा डॉक्टर है टू इंक्वायर रिगार्डिंग वॉट इज द रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन एफ द एक्ट वॉट वुड हैव हिज फादर टोल्ड हिम अज्यूम दैट ही इज नॉट ऑप्टेड सेक्शन वन वन फाइव बी एस सी गाइज अगर देखो 115 नहीं लेते हो तो मैंने आपको रिबेट बताया था एटी सेवन ए का और वो एटी सेवन ए का रिबेट किसको मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और उसका नेट टैक्सेबल इनकम कितना होना चाहिए अप टू तो रिबेट कितना मिलता था जो टैक्स अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेडर इज लोअर तो रिबेट अमाउंट मिलता था टैक्स और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर लोअर अब एक बात बताओ अगर वन वन फाइव बीएससी लेते तो रिबेट चेंज हो जाता है पता है 115 जब लेते हैं ना तो ये रिबेट मिलता है आपकी इनकम सात लाख तक है तब मिलता है और पच्चीस हजार का ये रिबेट मिलता है तो आपको यहां बी एस सी नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं आप गोली मारो तो अब ये रिबेट किसको मिलेगा इसमें सही सही सेंटेंस क्या होंगे एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू फाइव लाख होना चाहिए और जिसको ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक का रिबेट मिलेगा तो देखिए यहां पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं और ये पॉइंट देखते हैं कौन कौन से पॉइंट सही है और कौन कौन से पॉइंट गलत है

मैक्सिमम रिबेट अलाउबल अंडर सेक्शन 87 सेवन इज फाइव थाउजेंड सही है गलत है? गलत है है रिबेट अंडर सेक्शन 87 सेवन इज अवेलेबल फ्रॉम द एगजन फ्रॉम टोटल इनकम क्या ये टोटल इनकम में से लेस होता है या टैक्स में से लेस होता है ये टैक्स में से लेस होता है तो ये भी गलत है आगे दे रखा है मैक्सिमम रिबेट अलाउबल अंडर सेक्शन 87 सेवन ए इज अ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या यह सही है गलत है सही है ये सही है कोई दिक्कत नहीं एंड नेक्स्ट पार्ट रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए इज अवेलेबल इन द द फॉर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम बेसिक टैक्स दिडक्शनिटी क्या यह सही है या गलत है सही है क्योंकि आपकी बेसिक टैक्स लाइबिलिटी में से लेस हो जाता है तो यह भी आपका सही है इसका मतलब वन सही है फाइव सही है एंड सिक्स सही है तो इसके हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन सही है बी इज राइट आंसर बी इज राइट आंसर हियर बी इज योर राइट आंसर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करके क्या दे रखा है द गुप्ता एच गुप्ता एच इन महाराष्ट्र ये गुप्ता का एच यूएफ कहां का है महाराष्ट्र एक आपको पता है अपन ने पढ़ा था एक दया भागा और एक मिताक्षरा दया भागा कहां लगता था आसाम एंड वेस्ट बंगाल वहां बच्चों को को राइट अभी तक नहीं मिलता जब तक पापा जिंदा है पापा के मरने के बाद बच्चों को मिलता है लेकिन अपन इंडिया में बाकी सब बच्चों का जैसे ही जन्म होता है उसको कोपआर्सनरी राइट मिल जाता है देखिए क्या दे रखा है मिस्टर गुप्ता एचयूएफ इन महाराष्ट्र कंप्राइज ऑफ हर्ष गुप्ता है बंदा उसकी वाइफ निधि गुप्ता है हिज सन मिस्टर दीपक गुप्ता और डॉटर इन लॉ दीप्ति गुप्ता है हिज डॉटर मिस प्रीति गुप्ता हिज अनमैरिड ब्रदर मिस्टर गौतम गुप्ता मेंबर ऑफ एच यू एच यू एफ आर एलिजिबल फॉर को पार्सनरी राइट तो मैं एक बात बोलू एक तो इसकी बीवी जो है वो को पार्सनरी राइटी के पास नहीं है दूसरा इसकी डॉटर इन लॉ के पास में नहीं है हा? बाकी मैं बोलू सबके पास है बाकी सबके पास है तो कौन सा वाला आंसर सही रहेगा बी सो बी इज द राइट आंसर तीसरे का बी इज द राइट आंसर मेरे नाम में बी है तो मोस्ट ऑफ आंसर बी रहेंगे ये बोलते अगली बार से मैं टिक्की मार के बी आऊंगी जगह ठीक है ऐसा नहीं अगली बार मैं सी डालूंगा आंसर मैं बताऊंगा थोड़ी चलो डन हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू द Sadvichar Limited, a domestic company, on the total income of 10 crore 350,000 for the previous year 2324, comprising only a business income, whose turnover in the previous year 21 22 was 450 crore. टैक्स एज पर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अज्यूम दैट कंपनी डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन बी डबल ए अब आप बोलोगे क्या होता है सी ए फाइनल में आता है कि कंपनियां अगर वन वन फाइव बी डबल ए लेती है तो उनको सिर्फ बाईस परसेंट से टैक्स लगता है जो अपने इंटरमीडिएट में नहीं है अपने इंटरमीडिएट में नहीं है ये सीए ये फाइनल में आएगा कि जब कंपनियां अगर वन वन फाइव के हिसाब से टैक्स भरती है तो उनको सिर्फ 22 परसेंट टैक्स लगता है बट यहां पे तो आपको 25 या 30 परसेंट से टैक्स लगेगा मुझे बताइए आपका टर्नओवर 21 इक्कीस बाईस का 450 करोड़ है मिस यहां पे आपको इस साल कौन सी रेट से टैक्स लगेगा 25 या 30 राइट आंसर इज थर्टी से टैक्स लगेगा और यह डोमेस्टिक कंपनी है तो चलो आपको टैक्स कैलकुलेट करना है आपको बताना तो यह है कि मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा आपको बताना तो यह है कि मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा तो चलो अपन एक बार टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी का टोटल इनकम कितना था दस करोड़ दस करोड़ टोटल इनकम इस करोड़ टेन करोड़ थ्री लैख टेन करोड़ थ्री लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड दैट इज द टोटल इनकम सो टोटल इनकम इज टेन करोड़ थ्री लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड नाउ गाइज इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स कौन सी रेट से आएगा थर्टी परसेंट से आएगा सो so, यहां पे टैक्स कैलकुलेट किया थर्टी परसेंट कैलकुलेट करो कितना आता है थ्री करोड़, करोड़ डबल जीरो ना वन लैख थ्री जीरो वन जीरो फाइव ट्रिपल जीरो अब एक बात बताओ इनकम आपकी टेन करोड़ से ज्यादा है तो सर लगेगा कौन सी रेट से ट्वेल्व परसेंट से तो इसमें ऐड करो ऐड सर चार्ज एट द रेट ट्वेल्व परसेंट कितना आता है थर्टी सिक्स लैख ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टोटल करो थ्री करोड़ थर्टी सेवन लैख फिर अपन क्या करते हैं दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन टेन करोड़ प्लस एन टी आई माइनस टेन करोड़ अगर आपकी इनकम टेन करोड़ ही होती तो मुझे बताओ टैक्स कितना लगता टेन करोड़ होती तो एक तो थ्री करोड़ टैक्स आता पर प्लस आपका सरचार्ज लगता ना एट द रेट सेवन परसेंट तो कितना ट्वेंटी वन आता हाँ तो मैं बताऊं आपकी आपका टैक्स आता थ्री करोड़ ट्वेंटी वन लैख हाँ भाई सो so, थ्री करोड़ ट्वेंटी वन लेख आता अब मुझे एक बात बताइए थ्री करोड़ ट्वेंटी वन लेख आता तो आपका टैक्स हुआ यहां पे थ्री करोड़ ट्वेंटी वन लैख प्लस आप मुझे बताइए प्लस थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड तो कितना आता टोटल थ्री करोड़ ट्वेंटी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर कंटिन्यू कर दो तो आप मुझे बताओ ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ कितना आ गया मार्जिनल रिलीफ कितना आया ट्वेल्व लैख सिक्स हंड्रेड सो ट्वेल्व लेख सिक्सटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दैट इज योर राइट आंसर तो मुझे बताइए आपका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है बी सो हियर इन द क्वेश्चन नंबर फोर ट्वेल लैक्स सिक्सटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दिस बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव मिस्टर रमन एज सिक्सटी फोर इयर वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्ट्री एक्सप्लेनेशन टू असेसिंग ऑफिसर फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ सेवन लैक

नहीं किया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहां से लाया है आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो इस पर कौन सी रेट से टैक्स लगता है 78 एट परसेंट मीन सिक्सटी परसेंट का आपका टैक्स रेट है उसमें 25 परसेंट सरचार्ज ऐड कर दीजिए एंड 4 परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा यहां पर सही आंसर कौन सा है सी इज द राइट आंसर फाइव करके ठीक है अब यहां बी नहीं आया सी आया सो सी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए और देखिए एमसीक्यू का आपका सिक्स वाला क्वेश्चन क्या बोलता है द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सरल अ रेजिडेंट हु इज अटेन द एज ऑफ 60 ईयर ऑन द वन फोर टू एक बंदा है जो 60 साल की एज अटेन कर रहा है वन फोर टू मतलब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है वन फोर को वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को अपना साठवा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो भी यह माना जाएगा क्योंकि लास्ट डेट को उसने 60 का एज कंप्लीट कर लिया है भाई लास्ट डेट को उसने सिक्सटी इयर्स का एज कंप्लीट कर लिया है तो यहां पर उसको हायर बेसिक एग्जामिशन मतलब थ्री लैख का बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा डज नॉट ऑप टू प्रोविजन सेक्शन वन वन फाइव बी एस सी On his total income of आप मुझे बताइए पे पे आपको कितना लगेगा? तो मैं की है? तो मैं की है, तक का जो रहेगा उस पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा और बेटा थ्री लैख ,00 से लेके और फाइव लैख ,00 तक पे आपको जो टैक्स आएगा वो फाइव परसेंट कितना दस हजार आया एंड बेटा फाइव लैख ,00 से लेके और अप अपू फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड तक आपका टैक्स आएगा ट्वेंटी परसेंट तो कितना बारह हजार आया तो यहां पे आपका बाईस हजार आया सरचार्ज लगेगा नहीं हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दीजिए कितना आता है बाईस हजार आठ सौ अस्सी सो राइट ऑप्शन इज अज द राइट आंसर बाईस हजार आठ सौ अस्सी है उतना आपका टैक्स आ जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आइए और क्वेश्चन नंबर सेवन है टैक्स पेबल बाय द धर्मा एलएलपी धर्मा एलएलपी एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जिनकी टोटल इनकम वन करोड़ वन लेके, वन करोड़ वन लेके वो टोटल इनकम है और आपको इसका टैक्स निकालना है देखो एलएलपी के, के केस में पार्टनरशिप फर्म के, के केस में फ्लैट थर्टी परसेंट से टैक्स लगता है और इनकम अगर एक करोड़ से ज्यादा है तो उस पर सरचार्ज लगता है एट द रेट से 12%, 12 सीधा सरचार्ज लगता है है तो यहां पे एलएलपी का इनकम करोड़ एंड वन है। और वन, वन टैक्स निकालना है और उसमें जो भी सरचार्ज आएगा वो ऐड करना है मार्जिनल रिलीफ मिलता है तो वो लेना है और आपको नेट टैक्स पेबल निकालना है तो चलिए अपन एक काम करते हैं यहां पे मैं इसको सॉल्व करवाता हूं तो देखिए अगर इसकी जो इनकम है टोटल इनकम कितना है वन करोड़ वन करोड़ और वन लैख अब आप बात बताइए इस इसपे टैक्स कितना आएगा एट द रेट थर्टी परसेंट कितना आता है थर्टी लैख थर्टी थाउजेंड थर्टी लैख थर्टी थाउजेंड थर्टी लैख थर्टी थाउजेंड अब एक बात बताइए इस पे आपको सरचार्ज कितना ऐड करना है एड सरचार्ज एट द रेट ट्वेल्व परसेंट कितना आता है थ्री लैख सिक्सटी सिक्स हंड्रेड टोटल हो गया थर्टी थ्री लैख सिक्स हंड्रेड अब एक बात बताऊं दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन वन करोड़ प्लस एन टी आई माइनस वन करोड़ सो टैक्स ऑन वन करोड़ कितना आता है आपका थर्टी लैख हाँ भाई थर, एक करोड़ इनकम होती तो थर्टी लैख टैक्स आता सरचार्ज नहीं लगता सरचार्ज एक करोड़ से ज्यादा इनकम होती है तो ही लगता है पार्टनरशिप फर्म के केस में तो मुझे एक बात बताइए यहां पे आपका यहां पे थर्टी लेक आता और एन टी आई माइनस वन करोड़ करते तो कितना, 1 आ था? आ? तो मैं बोलू, कितना होगा थर्टी वन लैख सो थर्टी वन लैख होगा तो विच एवर इज लोअर आपको कंटिन्यू करना है तो थर्टी वन लैख ले लीजिए और फिर आप इसमें एड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन द रेट फोर परसेंट सो फोर परसेंट आप अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा वन लैख वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड सो राइट आंसर हुआ थर्टी फोर लैख सॉरी थर्टी टू लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका जो राइट right आंसर है वो थर्टी टू लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड है सो थर्टी टू लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड मींस आपका कौन सा वाला आंसर सही है बी सो बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका ये था क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट बोलता है मिस्टर महेश इस फाउ क्या हुआ हा? मी में महेश अच्छा महेश क्या ना महेश दिल दे नहीं मेरे को नहीं पता सच्ची मैंने महाराष्ट्रियन सॉन्ग है तो मुझे नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं अगर सॉन्ग है तो अच्छी बात है आप गाते रहो घर पे जाके गाना चलो इधर देखो मिस्टर महेश इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ द टू गोल्ड चेन ऑफ फिफ्टी ग्राम ईच दो गोल्ड चेन है पचास ग्राम की है वैल्यू ऑफ विच इज 145 फोर्टी फाइव वैल्यू ऑफ विच इज वन ईच तो दोनों का मिला के वैल्यू कितना हो गया टू लैख नाइनटी थाउजेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ही कुड नॉट ऑफर द सेटिसफेक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द अमाउंट स्पेंड ऑन एक्वायरिंग दिस गोल्ड चेन एज पर सेक्शन वन वन फाइव बीबीई महेश वुड बी लाइबल टू पे द टैक्स उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा सेवेंटी एट परसेंट सेवेंटी एट परसेंट कितना आया टू लैख तो इसका भी आंसर क्या है बी सो बी इज द राइट आंसर करके ठीक है आपके टोटल कितने एमसीक्यू है नौ अभी तक आठ में से छह का आंसर क्या था बी छ का ना सात सात अभी तो लास्ट वाला पता नहीं बी आएगा या नहीं देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भैया कौन सा टैक्सेबिलिटी सही है कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है तो देखिए हाँ पहले क्वेश्चन अपन बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद इससे पहले वाला हाँ बोलना नहीं नहीं वो अलग चीज़ है यार मतलब वो क्या होता है अगर आपके घर पे रेड होती है और महिलाओं के पहनने के जो गहने होते हैं उसको कुछ पूछते नहीं है लेके नहीं जाते ठीक है लेके नहीं मतलब वो क्या होता है कि रेड हुई तो उसको लेके नहीं जाते बट उसका भी एक्सप्लेनेशन तो पूछेंगे ना भाई आप बोलो कि मेरे को ससुराल से मिले थे पियर से मिले थे दादाजी से मिले थे दादी जी से मिले थे जो भी आपका है वो आपको एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा ना वो लेके नहीं जाएंगे बट आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ठीक है चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पहला एनी इनकम डिराइव फ्रॉम द एंड सीडिंग इन द नर्सरी इज अग्रीकल्चर इनकम एंड इज इट एक्म फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन टेन वन क्या यह सही है या गलत है सही है या गलत है राइट आंसर इज यस एग्रीकल्चर इनकम नर्सरी की इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है सही है नेक्स्ट पार्ट परसेंट ऑफ डिविडेंट रिसीव फ्रॉम शेयर हेल्ड इन द टी कंपनी इज अ एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्जे फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन टेन वन एक बात बताओ अगर कोई बंदा टी का ग्रो और मैन्युफैक्चर करता है उसका इनकम फोर्टी सिक्सटी होगा मीन्स उसकी इनकम में फोर्टी परसेंट बिजनेस होगी सिक्सटी परसेंट एग्रीकल्चर होगी बट उस कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो क्या डिविडेंट भी एग्रीकल्चर इनकम होगी क्या नहीं एग्रीकल्चर इनकम नहीं है डिविडेंट है होगा वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा तो ये पूरा टैक्सेबल डिविडेंट भैया आपका कैसे यहां पे 60 40 होगा नहीं वो पूरा टैक्सेबल होगा जैसे मान लो एक टाटा टी करके कंपनी है और अज्यूम करते हैं टाटा टी क्या करती है चाय के बागान है उसके को ग्रो करती है और मैन्युफैक्चर करके बेच देती है तो टाटा टी जो है वो ग्रो करके और मैन्युफैक्चर करके बेच देती है तो उसकी इनकम इनकम है है वो और 60 वो बिजनेस होगी 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 और एग्रीकल्चर टाटा टाटा टी टी की अब हम शेयर होल्डर के तो मैंने टाटा टी के शेयर खरीदे हुए तो मुझे जो डिविडेंड मिलेगा ना वो डिविडेंड मेरे लिए पूरा टैक्सेबल होगा डिविडेंड में ऐसा कुछ एक्सिमशन वगैरह नहीं है तो ये दूसरा जो पॉइंट है यह आपका फॉल्स है दिस इज नॉट अ राइट पॉइंट उसके बाद नेक्स्ट पार्ट एज फिफ्टी है एग्रीकल्चर इनकम इज रिक्वायड टू बी एडेड टू टोटल इनकम ओनलीफ द नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द प्रीवियस इज मोर देन फाइव थाउजेंड एंड टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम एक्सिड दू ले ट्रू है या फॉल्स है राइट आंसर इज फॉल्स क्योंकि ट्रू क्या है पता है तुमको मैंने बताया था पार्शियल इंटीग्रेशन कब होता है जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पहली कंडीशन एस इंडिविजुअल होना चाहिए एच यूएफ होना चाहिए एओपी वीआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन यह एस होना चाहिए दूसरी कंडीशन यह थी कि एस का नेट एग्रीकल्चर इनकम किससे जाना होना चाहिए

टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज सो दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट सो कैन आई से आपका पहला एंड चौथा ट्रू है सो राइट आंसर इज अट आंसर इज सी आप में से कितने लोगों के एटीन में से एटीन आए अभी तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन वेरी गुड वेरी गुड कितने लोगों के सिक्सटीन आए चलो आपको भी बहुत बहुत गुड कितने लोगों के ट्वेल्व आए ट्वेल्व तो आए होंगे यार हाँ चलो फोर्टीन कितने लोगों के आए तो फोर्टीन वाले भी लोग हैं. चलो वेरी गुड कितने लोगों के फोर्टीन के बाद में आपके ट्वेल्व वाले तो बहुत सारे रहेंगे कितने लोगों ने किया ही नहीं Raise your hand. हमने किया ही नहीं भाई आप लोगों ने क्यों नहीं किया इसका रीजन तो मुझे भी बताओ तो मुझे पता तो चले हा? मिला ही नहीं था पेपर ऐसे क्यों नहीं किया बैकलॉग था तो बैकलॉग कंप्लीट किया ऐसे हाँ संडे को मिलाई नहीं पेपर और मंडे को सर फिर हमने बैकलॉग क्लियर किया चलो ऑनलाइन वालों के भी काफी लोगों के सिक्सटीन आए हैं काफी लोगों के तो आपको अपने आप को थोड़ा रिविजिट करना चाहिए एक बार थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहां पे पढ़ने में गलती हो रही है क्वेश्चन को सही पढ़ पा रहे हैं या नहीं सही एनालाइज कर पा रहे हैं या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा ठीक है चलिए उसके बाद में हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट के क्वेश्चन पे तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव किया है या नहीं किया किया है क्वेश्चन नंबर वन हा क्वेश्चन नंबर वन जो है वो तो इजी क्वेश्चन था इजी नहीं था इजी था या नहीं था चलो देखते हैं अब तो हो ही जाएगा इतना हाउस प्रॉपर्टी हो गया है तो अब तो हो जाएगा उस दिन हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो बट अब तो हो जाएगा देखिए क्या दे रखा है मिस्टर रॉय एक बंदा है ओन हाउस इन कोलकाता रॉय जो है ये कोलकाता में एक हाउस ओन करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर थ्री फोर्थ पोर्शन ऑफ हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड वन फोर्थ पोर्शन ऑफ द हाउस वाज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस फॉर द रेंट ऑफ द ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ सो आपका थर्ड फोर्थ हाउस है वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड था एंड आपका वन फोर्थ है वो आपका लेट आउट था और वन फोर्थ का

पढ़ा लिया था ना हा तो वैकेंसी का है एक महीने ये प्रॉपर्टी आपका वैकेंट है मार्च 2024 में रेंट फॉर द मंथ ऑफ ऑफ द द जैन एंड एंड फेब कुड नॉट बी रियलाइज इन स्पाइट ओनर एफर्ट ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर रूल फोर आर सेटिस्फाइड आपकी जितनी भी कंडीशन है रूल फोर की वो सेटिस्फाइड हो रही है तो यहां पर बेटा आपका अनरियलाइज रेंट भी है दो महीने का रेंट क्या है अनरियलाइज म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 450 है सेवन फोर सेवेंटी है स्टैंडर्ड रेंट आपका फाइव लैख है फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द ईयर इज वन लैख फिफ्टी वन थाउजेंड इस साल का इंटरेस्ट है आपको बोला है रॉय का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है आप में से जितने लोगों ने किया आंसर क्या आया एक बार बता दो एटी एटी थ्री माइनस या पॉजिटिव तो नेगेटिव इनकम एटी थ्री थाउजेंड टू सेवेंटी फाइव यह आंसर आया एटी थ्री थाउजेंड टू सेवेंटी फाइव और कोई आंसर किसी का दो कॉलम बनाए आपने दो कॉलम बनाए थे आपने एटी थ्री थाउजेंड टू सेवेंटी फाइव दो कॉलम बनाए होंगे और दोनों का टोटल मिला के आपका एटी थ्री थाउजेंड टू सेवेंटी फाइव आया चेक करते हैं इसका आंसर सही है या नहीं सही है। तुझे कैसे पता है सही है चार बार चेक किया राइट आंसर इज एटी थ्री थाउजेंड टू सेवेंटी फाइव इज अ राइट आंसर एटी थ्री थाउजेंड टू सेवेंटी फाइव ये मैंने आईसीआई से क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन एज इट इज लिया है अपन तो क्या करते हैं दो कॉलम बनाते हैं एक एलओपी का एक एसओपी का और एसओपी वाले में डैश डैश लिख लेते हैं एलओपी वाले में अमाउंट लिख लेते हैं बट आईसीआई क्या करती है एसओपी के लिए अलग पहले करती है क्योंकि एसओपी में सिर्फ लेस क्या होता है इंटरेस्ट लेस होता है तो एसओपी का सीधा चालू करती है नेट एनुअल वैल्यू से क्या नेट एनुअल वैल्यू निल है इंटरेस्ट जो आएगा वो वन लाख थर्टीन थाउजेंड टू फिफ्टी आएगा तो आपका, ये है, वो आपका है, तो का आपने ऐसे इनकम निकाला और ये इनकम निकालने के बाद आपका नेट आया ट्वेंटी तो बेटा यहां पे आपका लॉस अंडर द्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एटी थ्री थाउजेंड टू सेवन आ जाएगा मुझे आप बताइए क्या इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊं या आप कर लोगे मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको ये जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको दे रहा हूं करके ठीक है ये मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं तो आप इस सॉल्यूशन को देख के ट्राई करिए अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे से बताइए तो मैं आपको करा दूंगा अगर मान लो एक्चुअल रेंट में इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए देखो एक्चुअल रेंट में आपको दिक्कत कैसे आया इसमें मैं बता दू देखो आपका ये प्रॉपर्टी जो है ये आपका लेट आउट कितने महीने का था तो एक्चुअल रेंट आपने कैसे निकाला होगा मैं बताऊं यहां एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट तो एक बात बताओ ये प्रॉपर्टी आपने भाड़े ग्यारह महीने के लिए दी थी तो ग्यारह महीने मतलब ग्यारह महीने के लिए भाड़े पी थी ना फेब तक थी ना तो बारह हजार मल्टीप्लाय बाय ग्यारह कितना आता है एक लाख हाँ वन लैख तो वन लैख थर्टी टू थाउजेंड और कितने महीने का भाड़ा नहीं आया दो महीने तो बारह हजार मल्टीप्लाय बाय दो कितना आता है चौबीस हजार तो कितना बचा लाख आठ हजार ये आपका एक्चुअल रेंट आया होगा अब एक्चुअल रेंट आया होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना था तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका एक लाख सत्रह हजार था और आपका एक्चुअल रेंट कितना है एक लाख आठ हजार वेकेंसी रेंट एक महीने का रहेगा कितना है बारह हजार तो मुझे बताओ ये दोनों इससे ज्यादा ही थे ना तो ये एक्चुअल रेंट जो है आपका वन लैख एट थाउजेंड यही क्या बना होगा जीएवी एक्चुअल रेंट आपका जीएवी बना होगा इसमें एक्चुअल रेंट है इसमें जीएवी बना होगा दिया आप अगर देखोगे ना इसमें तो एक्चुअल रेंट आपका जीएवी बना होगा इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट है दैट इज बिकेम और जीएवी एक्चुअल रेंट आपका जीएवी बना होगा यहां पे ठीक है हाँ? एक लाख सत्रह हजार पांच सौ है ना ये चलिए एक लाख सत्रह हजार पांच सौ उसके बाद एक और क्वेश्चन है दैट चार मार्क का कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बी हाँ आ, आया ना हाँ ओके जादू चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल क्वेश्चन नंबर टू कंप्यूट द दस लाइबिलिटी टोटल इनकम ऑफ वन करोड़ फॉर द असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस इनकम ऑफ सैलरी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड एफ डी का इंटरेस्ट अज्यूम दैट मिस्टर बी हैज नॉट ऑप्टेडन वन फाइव बी एस सी तो बेटा आपको वन करोड़ वन लैख पे टैक्स निकालना है नॉर्मली स्लैब रेट से सरचार्ज कितना परसेंट ऐड करोगे पंद्रह परसेंट मार्जिनल रिलीफ मिलेगा एंड आपकी नेट टैक्स पेबल आएगा कितना आया नेट टैक्स पेबल थर्टी थ्री थर्टी थ्री लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी थ्री लैख ट्वेंटी आपका जो आया वो थर्टी थ्री ट्वेंटी राइट आंसर है या नहीं तो अगर मैं दूसरे की बात करूं तो थर्टी थ्री लैख ट्वेंटी राइट आंसर देखिए हमने क्या किया कि भैया फाइव लैख तक ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव से टेन लैख तक वन लैख टेन लैख से वन करोड़ ट्वेंटी सेवन लैखी था टोटल ये आ गया सर चार्ज पंद्रह परसेंट एड कर दिया और बेटा ये एड करने के बाद फिर अपन ने देखा दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन देखाउं करोड़ प्लस माइनस करोड़ कर दिया तो यहाँ पे आपका ये आ गया और बेटा यहाँ पे आपका मार्जिनल रिलीफ मिल गया फिर एड कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो थर्टी थर्ट थ्री लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड आ जाएगा सो दिस वॉज वन क्वेश्चन जो कि आपका चार मार्क का था चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है हाँ क्या हुआ एसओपी एंड एलओपी में वो जो पूछ रहा है एक बार थोड़ा आगे पास करके आप मुझे बताओ ना वो क्या बोल रहा है मैं उधर आऊ उधर थोड़ा मैं उधर आता हूं हाँ भाई इधर ही बैठ अभी अभी बता वहीं से है? क्या दिखाना है नहीं चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं सही किया तूने सही है सही है सात मार्क्स सात दे अपने आपको खुश हो गया ये बोला मेरे को सही मार्क्स मिल गए तू बड़ा बोल रहा है रे हां भाई चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए ऑल पीपल क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दे रखा है मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट एक बंदा है मिस्टर एक्स रेजिडेंट जिसका एज फिफ्टी सिक्स रिसेंटली वो सक्सेसफुल अ बिजनेसमैन फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम रेगुलरली वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था वो अपना रिटर्न रेगुलरली फाइल करता था एंड प्रॉम्प्टली एवरी ईयर, पैन कार्ड जब से पैन कार्ड लिया था ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक पीरियड हिस्सनेस सफर सीवियरली वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू हिज बिजनेस एंड फाइनली ऑन द फर्स्ट जनवरी 2024, हजार ही डिसाइडेड टू वाइंड अपजनेस विच ही ऑल्सो इंटीमेटेड टू द जुडिस्डिकल बंद कर दिया अब हुआ क्या द असिंग ऑफिसर सेंड हिम अस इनकम फॉर द असमेंट इ्वेंटी फोर ट्वेंटी ड्यूरिंग द असमेंट इ्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ओनलीओ ने एक नोटिस भेज दिया

तो इसका आंसर कोई ऐसा इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं जहां यहां आईसीआई ने जो सॉल्यूशन दिया था वो आम मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आईसीआई ने सॉल्यूशन क्या दिया था आईसीआई ने बोला कि यस ही हैज द पावर टू डू सो उसके पास ये पावर है यस ही हैज अ पावर टू डू सो उसके पास ये पावर है सिंस द बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स इज डिसकंटिन्यू इन द फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर मीन प्रीवियसेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में डिसकंटिन्यू हो गया इनकम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टिल फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर असैसिंग ऑफिसर चाहे तो चार्ज टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ओनली और या ऐसा भी बोल सकते हो असेसमेंट या ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में ही वो टैक्सेबल कर सकता है फिर यहां पर बताया फॉलोइंग आर द अदर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल कै इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ट टू द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर एंड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ट इन द प्रीवियस ईयर इट कौन कौन से केसेस में या तो एक नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है या कोई पर्सन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है और वापस नहीं आने वाला या फिर आपने एओपी बीवाई सिर्फ गणपति फेस्टिवल के लिए बनाया था और फिर उसके बाद में वो बंद कर दिया या फिर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके टैक्स को बचाना चाहते हो तो ये कुछ ऐसे चार केस और है जिसमें आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल किया जाएगा असेसमेंट ईयर तक नहीं रुका जाएगा सो दिस इज द थियरिटिकल क्वेश्चन इसमें आपने जितना भी लिखा है अपने आप को आधे मार्क्स दे दीजिए करके ठीक है आपने जितना भी अगर ऐसा चारों लिखे हैं पॉइंट तो तो अपने आप को पूरा मार्क्स दीजिए बट अगर मान लो आधा लिखा है तो चार में से जितने पॉइंट आपने लिखे हैं उसके हिसाब से आप मार्क्स दे दीजिए करके ठीक है आपने तीन लिखे हैं तो अपने आप को तीन मार्क्स दीजिए और अगर आपने सब पॉइंट लिखे हैं तो आपको चार मार्क्स दीजिए और अगर आपने दो लिखे हैं तो आप अपने आपको दो मार्क्स दीजिए चार मार्क का ये क्वेश्चन था चलिए उसके बाद में मिस्टर टोनी हैड अ स्टेट इन रबर टी एंड कॉफी तो एक बंदा है जिसका नाम है टोनी टोनी के पास में रबर के टी के एंड कॉफी के स्टेट स्टेट्स का मतलब होता है गार्डन बागान सो so उसके पास में टी कॉफी एंड रबर के बागान है अब एक बात समझना इन्होंने क्या बोला ही डिराइव इनकम फ्रॉम हिम देम वो उससे इनकम कमाता है। हैल्सो नर्सरी वेयर इन ही ग्रो एंड सेल द प्लांटेशन नर्सरी में वो प्लांट ग्रो करता है बेचता है

तो चलिए पांच लाख की आपकी रबर से इनकम है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर तो मैं बोलू आपका थर्टी फाइव परसेंट बिजनेस है एंड सिक्स परसेंट एग्रीकल्चर तो मुझे बताइए थर्टी फाइव परसेंट कितना आता है 1 ,00? 1 ,00? 1 ,00? और ये कितना हो जाएगा थ्री लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर है तो ग्रोन एंड क्योर है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना आएगा कितना एटी सेवन फाइव हंड्रेड और ये कितना आएगा टू लैख टू लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में कितना फोर्टी सिक्सटी आएगा तो भैया फोर्टी परसेंट कितना आएगा टू लैख एटी थाउजेंड एंड बेटा यहां पे कितना आएगा फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड और बेटा प्लांट ऑफ नर्सरी मैं बोलो पूरा एग्रीकल्चर में जाएगा तो आपका नर्सरी का पूरा एग्रीकल्चर तो आप मुझे बताइए पूरा बिजनेस का कितना है फाइव लैख फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और एग्रीकल्चर का इलेवन लैख सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो इलेवन लैख सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर तो ये आंसर आपके आए होंगे कितने लोगों का सही है ये आंसर वेरी गुड बाकी लोगों ने किया ही नहीं ना किया ही नहीं क्यों तबीयत खराब थी ध्यान रखा करो बेटा एक तो क्या घर से बाहर हो मम्मी भी नहीं है केयर करने के लिए ठीक है हाँ अपनी केयर अपने को ही करनी पड़ेगी और तो कोई आएगी नहीं केयर करने के लिए वो भी खुद की केयर कर रही होगी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आइए मिस्टर चरण ग्रो पेडी एंड यूज द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस इन हिज ओन राइस मिल अब एक बात समझना राइस जो होता है ना राइस वो राइस ऐसा राइस ऐसा ही नहीं उगता है खेत पे ठीक है पहले एक वो पेडी होता है और पेडी जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और पेडी से राइस बनाने की जो प्रोसेस है ना वो ऑप्शनल प्रोसेस है मतलब बहुत सा ये पेडी जो है ये डायरेक्ट मार्केट में बिकता है

जो कल्टीवेशन का प्रोड्यूस था कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था जिसको आपने ,00 में बेच दिया तो एक बात बताऊ यह तो पूरा हाँ तो पेडी बेचा है, तो यह पूरा एग्रीकल्चर है आगे क्या दे रखा है द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस सिक्सटी परसेंट पेडी इज अटीन लैखी थाउजेंड एंड जिसका मार्केट वैल्यू है वो ट्वेंटी एट लैख है तो मेरे को बताओ ये ट्वेंटी राइस ऑन द बैलेंस परसेंट पेडी द राइस वॉज सोल्ड फॉर दर्टी एट लैख आपसे पूछा है कि उसका बिजनेस का इनकम निकालना है एग्रीकल्चर का इनकम निकालना है तो चलो मैं सोल्व करके इसको बता देता हूं करके ठीक है कि आपको कैसे सोल्व करना है इसको ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है फाइव है तो क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम अब एक बात समझना यहां पे एग्रीकल्चर इनकम कितनी आएगी क्या आएगी तो सबसे पहले हम अगर बात करें एग्रीकल्चर इनकम की तो एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहले तो सेल ऑफ सेल ऑफ क्या बेचा उसने फोर्टी परसेंट पेडी उसने ऐसे ही बेचा है तो सेल ऑफ फोर्टी परसेंट पेडी इन रॉ फॉर्म तो सेल ऑफ फोर्टी परसेंट पेडी इन रॉ फॉर्म सेल वैल्यू कितना आया 18 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो बचा कितना नाइन लैख ये क्या है एग्रीकल्चर इनकम और दूसरा आपका पैड़ी फर्दर प्रोड्यूस तो अगर आप फर्दर प्रोड्यूस करते फर्दर प्रोसेस करते हो तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए आप एक काम करिए सबसे पहले लीजिए एफ एम वी ऑफ पैड़ी फर्दर प्रोसेस और फर्दर प्रोसेस आपने कितना किया ट्वेंटी ट्वेंटी एट लैख सिक्सटी थाउजेंड माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है फोर्टीन लैख फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड तो बचा कितना फोर्टीन लैख मैं बोलू ये भी एग्रीकल्चर इनकम है ये भी एग्रीकल्चर इनकम है अब आप निकालोगे बिजनेस का इनकम या फिर इसको एग्रीकल्चर इनकम को पार्ट ए बोल दो या पार्ट वन बोल दो अब पार्ट टू एस फोर बिजनेस इनकम तो बिजनेस इनकम में मुझे बताइए सबसे पहले सेल ऑफ राइस राइस कितने में बेचा थर्टी एट ,00 लाख उसमें से एक तो आप लेस करोगे फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितना है थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड और दूसरा क्या लेस करोगे एफ एम ऑफ पेडी Used, कितना तो आपके पास में पीजीबीपी का इनकम कितना आया फाइव लैख फाइव लैख एटी थाउजेंड कॉपी कर लीजिए इसको कॉपी कर लीजिए इसको क्या बोल बोले हाँ।, हाँ नहीं दिया होता तो अपन उसके बेसिस पे निकालते कि ये जो है ये फोर्टी परसेंट का है तो सिक्सटी परसेंट का कितना होगा भाई आपने रॉ फॉर्म में ये फोर्टी परसेंट बेचा था अगर ये एफ एम यहाँ नहीं दे रखा होता तो फिर अपन इसका पैसे प्रपोशन करके निकालते कि ये फोर्टी परसेंट के लिए है तो सिक्सटी परसेंट के लिए कितना होगा वैसा करके निकालते चलिए ये बुक लीजिए आपकी हाँ भाई टोटल कितने मार्क्स का पेपर था ये कितने लोगों के फोर्टी आए रेज योर हैंड फोर्टी फोर्टी मार्क्स कितने लोगों के आए सेल्फ एवेल्यूशन के बेसिस पे चलो वेरी गुड थर्टी सिक्स आए क्या बात कर रहे हो वेरी गुड थर्टी सिक्स भी बहुत है यार थर्टी सिक्स इतने बुरे थोड़ी है थर्टी सिक्स भी तो बहुत है थर्टी सिक्स मार्क्स आना वेरी गुड कुछ कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं हमारे तो सर थर्टी नाइन आए एक बंदे का बोलता है फोर्टी टू आउट ऑफ फोर्टी टू किस थर्टी एट आया किसी का थर्टी चलो थर्टी प्लस आया है थर्टी और थर्टी प्लस मतलब सही है कोई दिक्कत नहीं थर्टी या थर्टी प्लस में कोई दिक्कत नहीं है उससे कम आए है तो थोड़ी दिक्कत है चलिए अब आप एक काम करिए आज अपन क्वेश्चन ही करते हैं अब मुझे बताइए आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक सेवनटीन तक के सब क्वेश्चन हो चुके हैं क्या थर्टीन नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या हुआ है ना मेरे को एक बात बताओ ये जो बंदा ऑनलाइन है एक एस एम रिमिक्सिंग जोन पर करके कोई है बंदा बेटा वो एक बार तू है ना वो एग्रीकल्चर वाला एक बार चार्ट देखना तो तुझे समझ जाएगा एक बार वो एग्रीकल्चर वाला चार्ट देखेगा तो तुझे समझ जाएगा चलो मेरे को बताओ क्वेश्चन कितने हो चुके हैं सिर्फ थ्री बाकी है ना चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री पे एक बात बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ सब लोग जितने लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं, तुमने वो लेक्चर को लाइक ही नहीं किया तुम देख रहे हो अगर ऑनलाइन देख रहे हो यूट्यूब पे देख रहे हो उसमें बता लाइक करना रहता है लाइक लाइक क्या मेरे को लाइक नहीं चाहिए लाइक करो फटाफट देखता हूं मैं लाइक कितने होते हैं चलिए यस पीपल एक चीज समझना ओ भाई ए भाई सुनो ना एक चीज समझना ओ भाई एक चीज समझना अगर कोई बंदा इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है ना क्या बनता है रेजिडेंट बोलो रेजिडेंट ये रेजिडेंट कैसे बनता है क्या बनता है ये एक अलग टॉपिक है जहां अपन सीखेंगे बट अगर कोई बंदा इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है ना तो एक चीज समझना उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है पूरे वर्ल्ड में वो कहीं भी कुछ भी कमाए उसको टैक्स भरना पड़ेगा अगर इंडिया का रेजिडेंट बन गया जैसे आप लोगों वो इंडिया का रेजिडेंट अब आप बोलोगे इंडिया का रेजिडेंट कौन बनता है अगर आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हो पूरे साल में अपन तो यहीं पे पड़े अपना तो पासपोर्ट ही नहीं है करके ठीक है गरीब होगा तो अपन लोग जो है सब वो क्या है रेजिडेंट है और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है ऑर्डनरीली यहीं पे रहते हैं ठीक है तो हम लोगों की पूरे वर्ल्ड से जो भी इनकम होगी ना जैसे मान लो मेरा कुछ यूके से इनकम हुआ या दुबई से इनकम हुआ तो कहीं से भी या मान लो बांग्लादेश से इनकम हुआ तो सब इंडिया में टैक्सेबल होगा लेकिन अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट होता है तो उसका सिर्फ इंडिया से इनकम होगा ना उसी पे हम टैक्स लेते हैं हम कोई शक्तिमान नहीं है कि वो वर्ल्ड में कहीं भी कमाएगा तो हम टैक्स लेंगे बट जो इंडिया का बंदा है उसके लिए हम शक्तिमान है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हूं मैंने दुबई से पैसा कमाया इंडिया में टैक्स लगेगा मैंने मान लो पैसा कमाया यूके से कमाया इंडिया में टैक्स लगेगा बांग्लादेश से कमाया इंडिया में टैक्स लगेगा बट एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं कोई नॉन रेजिडेंट जैसे मान लो एक नॉन रेजिडेंट बंदा है जिसका नाम है फॉरन एग्जाम्पल कोई भी नाम ले लो फॉरेन का एक क्रिकेट प्लेयर है जिसका नाम है क्या एक फॉरेन का जो रूट हाँ सो so, एक इंग्लैंड का इंग्लैंड का एक क्रिकेट प्लेयर है और उस इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर का नाम है जिसका नाम है जो रूट करके वो इंग्लैंड का है तो वो रेजिडेंट इंग्लैंड का है वो इंडिया आता है सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए ठीक है तो आईपीएल खेलने के लिए जब वो इंडिया आता है तो आईपीएल से उसको जो इनकम होगी सिर्फ हम उसी पे टैक्स लेंगे हम बाकी पे टैक्स नहीं लेंगे भाई वो इंग्लैंड में क्या कमाता है हम क्या शक्तिमान है निर्मला सीतारमन जी जो उसकी इंग्लैंड की इनकम पे भी टैक्स ले लेंगे नहीं वो इंडिया में जो कमाता है सिर्फ उसी पे टैक्स लेंगे तो एक बात समझना यहां हुआ क्या इस क्वेश्चन में समझना ए भाई समझना एक बंदा है जिसका नाम है राजेश राजेश ब्रिटिश नेशनल है मिस उसके पास इंग्लैंड की है बट रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट इंडिया का है मतलब यहीं पे पड़ा है ऐसा हो सकता है बहुत बार कि किसी के पास नेशनलिटी फॉरेन की हो बट रहते इंडिया में है जैसे अभी आपने सुना होगा अक्षय कुमार के पास बोलते कैनेडा की नेशनलशिप थी सिटीजनशिप जो है वो कैनेडियन थी बट अभी उसने के सरेंडर कर दिया ऐसा सुना आपने हाँ गिवअप कर दी जुबा केसरी बोलो करके विमल पान मसाला ठीक है दाने दाने में केसर का दम तो उसके लिए अक्षय कुमार ने वो गिवअप कर दी तो ये बंदा ऐसा है राजेश जिसके पास एक ब्रिटिश नेशनल है वो लेकिन रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है वो इंडिया का है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ही ओन्स हाउस इन लंदन लंदन में उसका एक घर है विच हैज लेट एट द टेन थाउजेंड पर मंथ रुपीज नहीं है वो वहां का करेंसी है करके ठीक है क्या बोलते है पाउंड बोलते हैं तो पाउंड वहां का करेंसी दस हजार पर मंथ में भाड़े पर दे रखा है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन इज एट थाउजेंड पाउंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ वन पाउंड इन द इंडियन रुपीज टू बी टेकन एज नाइनटी फाइव मीन नाइनटी फाइव रुपीज पर पाउंड का वैल्यू है कंप्यूट राजेश नेट टैक्सेबल इनकम नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आपको इसकी नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है अब आप बोलोगे सर राजेश का प्रॉपर्टी तो सर लंदन में है हम क्यों टैक्सेबल कर रहे हैं क्योंकि यह बंदा जो है यह इंडिया का रेजिडेंट है और अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो इंडिया के रेजिडेंट या ऑर्डनरीली रेजिडेंट हो ना तो आपके पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है तो यहां पे लंदन से जो इनकम हो रहा है उस पर भी इंडिया में टैक्स लगेगा क्योंकि ये बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है अब एक बात बताओ इसको टेन थाउजेंड पर मंथ पर पाउंड जो टेन थाउजेंड पाउंड पर मंथ है वो उसको भाड़ा मिल रहा है और आपको एक पाउंड की वैल्यू 95 लेनी है तो मुझे बताओ पहले तो इसकी जो एक्चुअल रेंट कितना आएगा तो मैं बताऊं एक्चुअल रेंट है वो 10,000 पाउंड मल्टीप्लाई बारह लैख तो ट्वेंटी थाउजेंड पाउंड मल्टीप्लाई बाय नाइनटी कितना आया रुपीज में वन करोड़ फोर्टीन लैख ये एक्चुअल रेंट है अब एक बात बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दे रखा जब म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दे रखा तो मैं बताऊं बेटा यही तुम्हारा क्या बन जाएगा एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट ही तुम्हारा क्या बन जाएगा जीएवी अब इसमें से म्यूनिपल टैक्सेस लेस होते हैं भले यह म्यूनिसिपल फॉरेन में पे किए हो, फॉरेन म्यूनिस्पलिटी को दिए है तो अभी लेस होंगे आपके जीएवी में से तो आपको मिल जाएगा दैट इज वन करोड़ सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड है यह आपका एनएवी आ जाएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17 तक जितने भी क्वेश्चन है सब हो चुके हैं सेवनटीन तक एक भी क्वेश्चन बाकी है क्या यस और नो यस और नो नो तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे एंड रीड करिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आ जाइए एंड रीड करिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आ जाइए एंड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है वो रीड करिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आइए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे, 19 पे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसको आप मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को आप मार्क करेंगे एल डी आर एल डी आर का मतलब होता है लास्ट डे रिविजन जैसे ऐसे दो चार क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे ना तो आपका पूरा हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मैं रीड करने जा रहा हूं टू ब्रदर अरुण एंड बीमल आर को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विद द इक्वल शेयर दोनों का इक्वल शेयर है अरुण और बीमल का प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर नाइनटी एट नाइन मीन प्रॉपर्टी नाइनटी एट नाइनटी नाइन में ऑलरेडी बन चुकी थी नाइनटी एट नाइन मीन्स बहुत सालों पहले द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ द एट आइडेंटिकल यूनिट एंड इट सिचुएटेड एट द कोचिन ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें आठ आइडेंटिकल यूनिट है आठ आइडेंटिकल यूनिट का मतलब क्या होता है आठ रूम है आठ रूम हो गए

वो रूम है और ये आठ रूम इक्वल है अब एक बात समझिए एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ अब इसमें से ये लोग क्या कर रहे हैं पता है आठ रूम में से वापस से पढ़ेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ईच कोनर ऑक्यूपाइड वन यूनिट फॉर खुद के रेसिडेंस के लिए बैलेंस सिक्स यूनिट वर लेट आउट एट रेंट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ पर यूनिट तो मैं एक बात बताऊं इसमें से ये दो यूनिट जो है ये दो यूनिट तो उन्होंने क्या यूज़ की है एसओपी के लिए हा? ये दो यूनिट तो एसओपी के लिए है और ये छह यूनिट जो है वो किसके लिए है एलओपी के लिए है तो मेरे को एक बात बताओ ये पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज हो गया तो पार्ट एरिया लेट आउट है पार्ट एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो छह यूनिट आपकी लेट आउट है एंड दो यूनिट आपकी क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड छ यूनिट है वो आपकी लेट आउट है एंड दो यूनिट आपकी क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड आगे देखिए क्या दे रखा है वापस से आगे पढ़ेंगे द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी पूरे घर का म्युनिपल वैल्यू है वो नाइन लैक है एंड द म्युनिसिपल टैक्सेज आर ट्वेंटी ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर द अदर एक्सपेंसिस वर एज फॉलोज आपने रिपेयर कराया घर का रिपेयरिंग का खर्चा है वो इग्नोर होता है कुछ भी नहीं होगा दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ये भी इग्नोर होता है इसका भी कुछ नहीं होगा तीसरा इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस थ्री लैक वन ऑफ द लेट आउट यूनिट वर रिमेन वेकेंट फॉर द फोर मंथ ड्यूरिंग द ईयर भाई आपका जो इंटरेस्ट पे किया जो हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था उसका इंटरेस्ट थ्री लैख है और आपका एक यूनिट ऐसा है जो वैकेंट रहा है चार महीने के लिए देखो यहां वैकेंसी का भी आ गया यहां पे एक तो पार्टली प्रॉपर्टी एरिया वाइज है इतना एरिया लेट आउट है इतना एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसमें से एक यूनिट ऐसी है जो चार महीने के लिए वैकेंट भी है वैकेंसी भी है यहां पे करके ठीक है चलिए आगे क्या दे रखा है अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर सिक्स मंथ एज ही वॉज ट्रांसफर टू चेन्नई ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस तो ये जो दो यूनिट है इसमें एक अरुण रहता था एक में और एक में बीमल रहता था ये एसओपी था इसमें से एक यूनिट ऐसी है जिसमें रहता था, वो महीने के लिए यूज नहीं कर पाया क्योंकि वो बंदा कहीं शिफ्ट हो गया वो बंदा कहीं शिफ्ट हो गया और उसकी वजह से वो छह महीने के लिए ये यूनिट को यूज नहीं कर पाया इस यूनिट को वो छह महीने के लिए यूज नहीं कर पाया तो भी वो एसओपी ही माना जाएगा क्योंकि एसओपी का मतलब क्या होता है कि या तो आप पूरे साल खुद रह रहे हो या नहीं रह पाते क्योंकि आप कहीं और जॉब करने चले गए कहीं और बिजनेस करने चले गए कहीं और प्रॉफिट और वो खाली पड़ा है तो वो भी एसओपी बनेगा अगर कोई यूनिट एक भी दिन भाड़े पे दिया होता तो फिर क्या हो जाता वो एलओपी अगर एक भी दिन कोई भी भाड़े पे दे देते हो तो वो क्या बन जाएगा एलओपी क्या बन जाएगा एलओपी आगे क्या दे रखा है अदर इनकम ऑफ द अरुण एंड बीमल है वो टू लैख नाइंटी थाउजेंड एंड वन लैख एटी थाउजेंड है कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड द टोटल इनकम ऑफ टू ब्रदर फॉर द असेसमेंट असमेंट इ्वेंटी फोर ट्वेंटी वो वन वन फाइव बीएससी नहीं ले रहे हैं आपको बताना है कि इन दोनों भाइयों की टोटल इनकम इस साल में कितनी होगी वो आपको निकाल के बताना है करके ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चालू करते हैं इतना भी डिफिकल्ट नहीं है इजी ही है करके क्वेश्चन क्योंकि आपको बोलूंगा डिफिकल्ट है तो आप डर जाते हो तो चलो क्वेश्चन ही है और कौन सा क्वेश्चन नंबर बता दो क्या है तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पेज नंबर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पेज नंबर फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पेज नंबर फोर्टी नाइन अरुण एंड बीमल वाला क्वेश्चन है ठीक है चलो अब आप ऊपर नाम कुछ मत लिखो क्योंकि लास्ट में जो इनकम आएगी वो दोनों में डिवाइड करेंगे अब मुझे एक बात बताइए आप लोग सबसे पहले हम दो कॉलम बनाएंगे दो कॉलम बनाएंगे मतलब आपके पास टोटल आठ यूनिट है ये दो जो है ये आपकी एसओपी है और ये जो छ है ये आपकी एलओपी है एक बात बताओ मैं ऐसा बोल दू कि एसओपी है दो यूनिट है मींस दो बाय आठ क्या मैं ऐसा बोल दू पच्चीस परसेंट एसओपी है हा एंड बाय आठ मैं ऐसा बोलू सेवेंटी फाइव परसेंट क्या है एलओपी है भाई टू बाई एट द्वेंटी फाइव परसेंट अपना एसओपी है एंड सिक्स बाई एट सेवेंटी फाइव परसेंट आपका एल ओपी है ठीक है एल ओपी और एसओपी अब अपन दो कॉलम बनाएंगे तो हेडिंग दे दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सो computation ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नाम कुछ भी मत लिखिए ऊपर क्योंकि जॉइंट ओनरशिप का क्वेश्चन है लास्ट में जो इनकम आएगी वो दोनों में डिवाइड करेंगे तो आप दो कॉलम बना दीजिए एक एसओपी के लिए एंड एक आपका एलओपी के लिए तो आप एक काम करिए पहला एसओपी आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड एलओपी आपका सेवेंटी फाइव परसेंट एसओपी एंड एलओपी हाँ भाई फटाफट स्टेटमेंट बनाओ फटाफट मैं कितना जल्दी बना लिया फटाफट बनाओ स्टेटमेंट बनाओ ये स्टेटमेंट बनाओ स्टेटमेंट बनाओ चलिए स्टेटमेंट बनाया आप लोगों ने नहीं बनाया चलो हो गया क्या स्टेटमेंट सिर्फ बना के हो गया क्या स्टेटमेंट बना के हो गया है तो रुक जाना चलो डन एक बार बोलो डन चलो अब आप मेरी तरफ देखो कुछ भी लिखना नहीं है आपको कुछ भी लिखना नहीं है मेरी तरफ देखो कुछ भी लिखना नहीं है सब लोग ऑनलाइन वाले ओ ऑनलाइन वाले, वाले इधर देखो सब लोग कुछ भी लिखना नहीं है आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए मेरी तरफ इधर ध्यान दो आप ठीक है और कहीं नहीं देखना इधर देखना है मुझे एक बात बताओ एसओपी और एलओपी एसओपी में हर चीज क्या आती है डैश पे डैश देखो एसओपी का अगर सिर्फ एसओपी का क्वेश्चन है ना तो सीधा आप चालू करोगे नेट एनुअल वैल्यू से ये तो ऐसा है ना कि एलओपी भी साथ में इसलिए हम इतना सारा लिख रहे हैं बट अगर सिर्फ एसओपी का क्वेश्चन रहेगा ना तो ये सब आपको नहीं लिखने का सीधा चालू कर देगा नेट एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू निल और इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस कर देगा बस अब एक बात बताओ अपन एक काम करते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पहले ही कैलकुलेट कर देते हैं मुझे बताओ इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है हाँ? अरे बोलो ना कितना दे रखा है तो मैं एक काम करता हूं भले मत लिखना रुक जाइए एक बार आप इंटरेस्ट ऑन लोन थ्री लैख रुपीज है अब एक बात बताओ ये थ्री लैख आपके एसओपी और एलओपी में डिवाइड होगा और जब आप एसओपी और एलओपी में डिवाइड करोगे तो एसओपी कितना परसेंट है ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना आ जाएगा हा कितना आ जाएगा तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड इधर आ जाएगा और बेटा जो एलओपी में बचेगा वो कितना आएगा एलओपी में टू लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ जाएगा अब मुझे एक बात बताओ एसओपी की अगर मैं बात करूं तो एसओपी में मैक्सिमम इंटरेस्ट आपके स्पेशल केस में दो लाख अलग होता है और जनरल केस में थर्टी थाउजेंड

नहीं दे रखी डेट लेकिन इसमें यह दे रखा है कि घर का कंस्ट्रक्शन 9899 में हुआ था हां देखो 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 उस क्वेश्चन में देखो उस क्वेश्चन में यह दे रखा है कि घर का कंस्ट्रक्शन जो है वो 9899 में हुआ था और लोन में यह दे रखा है कि लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी तो इसका मतलब यह बोल तो लोन वन के पहले लिया था तो 1499 के पहले लिया था तो एसओपी के के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा 30,000 लेकिन एक बात बताओ अगर जितने ओनर है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है लिमिट हां भाई ओ गुड मॉर्निंग ओ देवी ओ लास्ट में जो बैठी हो लास्ट किधर ध्यान है तुम्हारा ओ बेटा तुम्हारा ध्यान किधर है नींद में हो ये लड़की का ध्यान किधर है? तेरा तेरा तेरे आगे वाली का तुम्हारे पीछे वाली का तुम्हारा ध्यान किधर है यू आर हियर ओनली यहीं पे हो पक्का ना हाँ यहीं रहना है एग्जाम नहीं होता तब तक चलो मुझे एक बात बताओ यहां पे एसओपी के केस में आप मुझे बताओ मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा मैक्सिमम डिडक्शन थर्टी थाउजेंड पर को ओनर हा और एक बात बताओ यहां पे मल्टीप्लाई बाय दो को तो दो को ओनर है तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा सिक्सटी थाउजेंड तो यहां पे आपको मैक्सिमम है वो सिक्सटी थाउजेंड का डिडक्शन मिल जाएगा तो मैक्सिमम सिक्सटी थाउजेंड का डिडक्शन मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 60, आया तो तो को आप एक काम करो लेस कर दो तो 60, आपका नेगेटिव हो गया और एलओपी में तो कोई लिमिट ही नहीं है तो टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा चलिए अभी भी कॉपी मत करिए मुझे बताइए म्यूनिस्पल वैल्यू कितना है पूरे घर का कितना है नाइन लैख तो नाइन लैख का सेवेंटी फाइव परसेंट सिक्स लेख सिक्स लेख सेवेंटी फाइव थाउजेंड क्या आपको फेयर रेंट दे रखा है क्या नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखने का ठीक है और बेटा स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखने का अपन एक काम करते हैं सीधा एक्चुअल रेंट पे जाते हैं और एक्चुअल रेंट के लिए अपन बना देते हैं नोट नंबर टू अब एक बात बताओ अगर मैं एक्चुअल रेंट की बात करूं डोंट वरी मैं टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए मुझे एक बात बताओ अगर मैं एक्चुअल रेंट की बात करूं तो एक्चुअल रेंट कितना आया होगा नोट नंबर टू ये देखो ना क्वेश्चन में आपकी टोटल कितनी यूनिट है छह यूनिट है इसमें से एक यूनिट जो है वो आपकी वैकेंट है तो मुझे बताओ यहां एक्चुअल रेंट अपन कैसे निकालते हैं एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट तो मुझे बताइए रेंट रिसीव और रिसीवेबल कितना होगा तो एक बात बताओ मुझे रेंट अनरियलाइज तो कुछ है नहीं यहां पे? तो आपकी फाइव यूनिट ऐसी बारह हजार और ये पूरे बारह महीने के लिए भाड़े पे है हाँ भाई और एक बात बताओ एक यूनिट ऐसी है जो क्या कितने महीने के लिए वैकेंट है चार महीने के लिए वैकेंट है तो इसका मतलब मैं बोलू वो आठ महीने के लिए भाड़े पे है हां तो मुझे बताइए फाइव यूनिट मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व मंथ एंड वन यूनिट मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय एट मंथ तो आपके पास कितना आता है टोटल टोटल मिला के एट लैख सिक्सटीन थाउजेंड ऊपर वाला कितना था फाइव यूनिट वाला सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और ये वाला 96,000. तो टोटल आपका हो गया एट लैख सिक्सटीन थाउजेंड है ये आपका एक्चुअल रेंट आया तो एक बात बताओ एक्चुअल रेंट हम लेंगे यहाँ पे एट लैख कितना एट लैख अब एक बात बताओ हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं विच एवर इज हायर लेते हैं लेकिन बाबू जब भी वैकेंसी होती है तो विच एवर इज हायर नहीं लेने अब देखो इसमें तो एक्चुअल रेंट ही ज्यादा है तो यही आगे बढ़ेगा लेकिन हम तो भी चेक करते हैं वैकेंसी के केस में तो वैकेंसी अगर होती है यहां पे वैकेंसी है तो जब यहां पे वैकेंसी है तो हम क्या करेंगे नोट नंबर थ्री में चेक करेंगे और नोट नंबर थ्री बोलता है कि एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है तुम्हारा सिक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड हां एक्चुअल रेंट कितना है एट लैक्स सिक्सटीन थाउजेंड और वैकेंसी रेंट में बोलूर्टी एट थाउजेंड रहेगा तो मतलब तो तुम्हारा क्या बन जाएगा जीएवी एक्चुअल रेंट है वो ही तुम्हारा जीएवी बन जाएगा सो हियर एक्चुअल रेंट इज ट्रीटेड एज योर जीएवी एक्चुअल रेंट है वो ही आपका जीएवी बन जाएगा एक्चुअल रेंट आपका थाउजेंड तो यहां पे एट लैख सिक्सटीन थाउजेंड आ गया अब मुझे बताइए म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना परसेंटेज दे रखा है ट्वेंटी परसेंट तो सीधा म्यूनिसिपल वैल्यू कहीं ले लीजिए वन लैख वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड तो आपका एनएवी कितना आया सिक्स लेख एटी अब आपका थर्टी परसेंट कितना आया फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो आपका लेस करने के बाद नेट कितना सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो मेरे को एक बात बताओ नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कुछ भी बोलते बच्चे हैं ना क्या बताऊं मैं आपको परेशान हो गया हूं मैं तुमसे सेवन हंड्रेड और कितना है नेट वन लैख नाइंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम अब एक बात बताओ अगर आप दो एस की बात कर रहे थे दोनों का नाम क्या है एक तो वेरी गुड तो अगर आपसे बोला है कि इनकी टोटल इनकम कितनी होगी तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दो लोग है एक तो तुम्हारा कौन अरुण और दूसरा बीमल सो पहले तो अपन हाउस प्रॉपर्टी का इनकम ही ले लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना आया था तो नाइनटी फाइव थाउजेंड एट फिफ्टी इच हां और अदर इनकम कितनी है इनकी अदर इनकम टू लेख लाख थाउजेंड तो ये आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। थ्री लाख, थ्री लाख एटी फाइव थाउजेंड एट फिफ्टी और इधर डन चलिए तो अब आप एक काम करिए फटाफट एक तो ये सॉल्यूशन आप फिल कर दीजिए आपने ये तो बना रखा था चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट फड़ कॉपी करिए फिर मैं आपको नोट्स कॉपी करने का टाइम देता हूं पहले इसको कॉपी करिए हाँ क्या बनाना चाहिए मार्क्स मतलब ऐसे कटिंग डिपेंड करता है एग्जामिनर टू तो एग्जामिनर कि अगर आपने नोट नहीं लिखा तो कितने मार्क्स वो काटेगा बट मेरे हिसाब से बनाने का हर जगह नोट्स बनाने का ये वाला पार्ट हो गया कहां तू मोबाइल में किससे चैट कर रही है अभी ये हो गया था तो चैट करनी जरूरी है किसी से चलो ये हो गया सबका ऑनलाइन वालों बच्चों हो गया ये चलिए तो अब आप एक काम करिए ये नोट्स को कॉपी करिए ये नोट नंबर वन एंड नोट नंबर टू क्या हुआ क्या हुआ हाँ पहले ये देखो हाँ ओ ऐसा है क्या इसमें सही पूरा नहीं आ रहा है क्या हाँ कॉपी करो इसको Done people?

हेलो 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 चेक 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 वन टू थ्री वन टू थ्री माइक टेस्टिंग डन पीपल से डन इफ आर डन से डन डन ना हाँ चलो अब मुझे बताओ आपके कंपाइलर में ये क्वेश्चन नंबर नाइनटीन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आइए क्या हुआ क्या हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा पहला करने का मन है एटीन भी कर सकते हैं ट्वेंटी भी कर सकते हैं, ट्वेंटी टू में कल कराऊंगा ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ये दो क्वेश्चन में कल कराऊंगा आप बताओ ये दो क्वेश्चन में कल कराऊंगा एंड कल ये टॉपिक का वाइंड अप हो जाएगा दो क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री अभी आपके जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें पहले आप एटीन पे आ जाइए पहले आप एटीन पे आ जाइए पहले आप क्वेश्चन नंबर एटीन पे आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर एटीन सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर एटीन पे सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है देख के ही ना हाँ देख के ही लग रहा है भाई साहब क्या ही क्वेश्चन है एक तो बड़ा क्वेश्चन है और उसमें कॉन्सेप्ट भी नए नए हैं ठीक है तो चलो इसको मार्क कर दो एलडीआर इसको भी क्योंकि बड़ा लग रहा है तो इसलिए एलडीआर मार्क कर दो लास्ट डे रिवीजन चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और रीड करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है रोहिणी रवि अ ऑफ़ यूएसए यूएसए की सिटीजन है बट रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट इन इंडिया मतलब इंडिया में ही पड़ी है करके ठीक है तो इंडिया में ही रहती है तो मुझे बताओ पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा अरे बोला हा क्या ना हाँ पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा क्योंकि जो बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है इंडिया का ये कब बनता है मैं बताऊंगा जब 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह लेता है तो वो यहां का रेजिडेंट बन गया तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा उसने बोला है कि शी ओनस अ हाउस प्रॉपर्टी इन द लॉस एंजेलिस दैट इज एलए यूएसए तो यूएसए में एक जगह है एलए करके वहां पे उसका एक घर है रेसिडेंस वो जब भी वहां रहती है उसको एज अ रेसिडेंस के लिए यूज करती है मिस मैं बोलू ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है एनुअल वैल्यू दे रखी है एंड द वैल्यू ऑफ वन यूएसडी आप सेवेंटी फाइव रुपीज ले सकते हैं आगे दे रखा है शिटू का ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ वन फ्लैट इन दई में एक घर खरीदा और वो घर इसी साल खरीदा है जुलाई दो हजार तेबिस को विच इज यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन इज इन इंडिया जब वो इंडिया में रहती है तो इस घर में रहती है यूएसए में रहती है तो लॉस एंजलिस तो क्या है एसओपी द फ्लैट वॉज यूज बाय हर फॉर द सेवन मंथ ओनली ड्यूरिंग दर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस इस करंट ईयर में उसने सिर्फ सात महीने के लिए ही उस घर को यूज किया करके ठीक है उसका घर रहा कितने महीने नाइन मंथ के लिए रहा अरे बोलो ना नाइन मंथ के लिए रहा क्योंकि जुलाई को खरीदा था तो फर्स्ट जुलाई से लेकर मार्च नाइन मंथ दो महीने वो इसने यूज नहीं किया सात महीने के लिए उसने यूज किया द म्यूनिस्पल वैल्यूएशन थ्री एटी फोर दे रखा है पर एन एम फेयर रेंट फोर ट्वेंटी है फॉलोइंग कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई चेन्नई की जो कॉर्पोरेशन को इसने पे किया एक तो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया और एक तुम्हारा सेवरेज टैक्स पे किया अब एक बात समझना ये प्रॉपर्टी टैक्स या या फिर सीवरेज टैक्स ये जो होता है ना इनको सबको बोला जाता है म्यूनिसिपल टैक्सेस तो आप इसको मर्ज करके लिख लो कहीं पे ऐसे सीवरेज टैक्स जो दे रखा है टैक्स टैक्स तो ये जो होता है ये भी म्युनिसिपल टैक्सेस का ही पार्ट होता है तो इसको भी म्युनिसिपल टैक्स बोला जाता है तो इसने टोटल आपका अठारह रुपया है वो म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो पे किया है शी है टेकन अ लोन फ्रॉम द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन द टू जून टू तो जून 2021 में उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से एक लोन लिया था जून 2021 में लिया था जून 2021 का मतलब कितने साल पहले हा? दो साल पहले ना दो साल पहले उसने लोन लिया था और परचेजिंग दिस फ्लैट इंटरेस्ट ऑन द लोन वॉज एज अंडर उस पर जो इंटरेस्ट कैसे लगा एक तो फर्स्ट अप्रैल 2023 से पहले का इंटरेस्ट ये था फर्स्ट अप्रैल से लेके 30th जून 2023 का इंटरेस्ट ये है एंड फर्स्ट जुलाई 2023 से लेके थर्टी मार्च 2024 का इंटरेस्ट है वो ये है अब एक बात समझना हो मैंने आपको एक जगह बताया था पता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बताओ तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मींस ऐसा इंटरेस्ट जिसमें जिस इयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के पिछले ईयर का इंटरेस्ट वो क्या था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अब एक बात बताओ वहां प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो पड़ा था बट क्या ऐसा प्री परचेज पीरियड इंटरेस्ट भी हो सकता है या नहीं जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप चीजों को समझना लॉजिकली समझना मैंने क्या किया बैंक से लोन लिया था दो में फरवरी में लोन लिया था में में फेब मंथ मैंने बैंक से लोन लिया था मैं घर खरीदने के लिए लिया था बैंक से लोन ले लिया था लोन आ गया था पैसा मैंने ले लिया था बैंक को इंटरेस्ट जा रहा था मैंने घर खरीदा नहीं मैं देख रहा था घर ढूंढ रहा था तो मैं घर ढूंढ रहा था ढूंढ रहा था ढूंढ रहा था और अभी मान लो सेप्टेंबर अक्टूबर मंथ में जाके मैंने घर खरीदा तो मुझे बताओ इस साल मैंने घर खरीदा तो इस साल का पूरा इंटरेस्ट तो अलाउ हो जाएगा क्योंकि घर है तो इंटरेस्ट अलाउ होगा वॉट अबाउट द लास्ट ईयर इंटरेस्ट क्योंकि मैंने जो लोन निकाला था बैंक से मैंने बैंक से जो लोन लिया था वो फेब मंथ में लिया था फेब 2023 में तो फेब का इंटरेस्ट एंड मार्च का इंटरेस्ट फेब का इंटरेस्ट एंड मार्च का इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट का क्या होगा क्या वो इंटरेस्ट अलाउ होगा या नहीं अलाउ होगा तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि वो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होता है इसको बोला जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट क्या बोला जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट मतलब जिस ईयर में घर खरीदा उसके पिछले इयर्स का जितना भी इंटरेस्ट रहेगा उसके पिछले इयर्स का जितना भी इंटरेस्ट रहेगा वो भी अलाउ हो जाएगा इन द फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द इन विच दैट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड मतलब जिस इयर में जैसे वो प्री कंस्ट्रक्शन था ना वो प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है लॉ में वर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ लॉ में लिखा हुआ प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट कि जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर के पिछले का जितना भी इंटरेस्ट है वो तुम्हारा सब इंटरेस्ट है वो प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट में चला जाएगा एंड दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड या प्रॉपर्टी इज एक्वायड तो मुझे एक बात बताओ आपने यहां पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जो लोन लिया था वो 2021 में लिया था लेकिन प्रॉपर्टी कब खरीदी है देखो देखो च, देखो चेन्नई का प्रॉपर्टी कब खरीदा आपने फर्स्ट जुलाई दो को खरीदा तो एक बात बताओ मैं बताऊं आपने घर प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस में खरीदा है तो तेबिस चौबीस का इंटरेस्ट है वो तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा ये तो पोस्ट परचेज में चला जाएगा और तेबिस चौबीस से पिछले सालों का इंटरेस्ट है वो मैं बोलू प्री में चला जाएगा एंड प्री वाला इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन द फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट तो मुझे एक बात बताओ मैं ऐसा बोलू जहां ये इंटरेस्ट की बात की हुई है ये फोर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड का जो इंटरेस्ट है ये फोर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड का इंटरेस्ट है मैं बोलू ये तुम्हारा प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट है हां भाई ये प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट है एंड ये फोर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव तो हर साल का कितना होता है नाइन एट और बेटा इस साल का ये तो पूरा अलाउ हो जाएगा तो इस साल की इसकी टोटल करो कितना आता है वन लैख एटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड और पुराना कितना आया नाइन एट फोर जीरो तो इस साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ वन नाइनटी वन नाइनटी वन 191940 है इतने का इंटरेस्ट आपका इस साल में अलाउ हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के सामने जो कि चेन्नई का प्रॉपर्टी है अब आगे क्या दे रखा है देखना शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर एक बैंगलोर में भी घर था बंदी के पास बहुत ही घर ही घर थे शी वॉज सोल्ड इन द मार्च 2020 लेकिन तीन चार साल पहले बेच दिया था

हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस रोहिणी रवि और ये जो है वो आपका 115 वन नहीं यूज कर रही है तो मुझे एक बात बताइए बड़ा सिंपल सिंपल सी बात बोलता हूं मैं बैंगलोर वाला घर का जो रिकवरी हुआ रेंट का वो कहां टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में 60,000 में से 30% लेस हो जाएगा बाकी कितना बचेगा 42,000 टू थाउजेंड या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा अब एक बात बताओ इसके पास दो घर बचे कौन कौन से एक तो लॉस एंजलिस वाला और दूसरा चेन्नई वाला अब एक बात बताओ लॉस एंजलिस वाला भी एसओपी और चेन्नई वाला भी एसओपी है दो एसओपी का बेनिफिट मिलता है तो भैया लॉस एंजलिस वाले से कुछ इनकम नहीं आएगा चेन्नई वाले से भी कुछ भी इनकम नहीं आएगा लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अब एक बात बताओ लॉस एंजलिस वाले का तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं चेन्नई वाले का इंटरेस्ट है और चेन्नई वाले का आपका इंटरेस्ट कितना आया 191940 तो 191940 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा तो ये तुम्हारा 42 पॉजिटिव इनकम 191940 नेगेटिव इनकम तो नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 149940 हो जाएगा ये इंटरेस्ट का प्री और पोस्ट कैसे किया इसका प्रेजेंटेशन मैंने यहां दिया है और यहां देखो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एलए वाला ये आपका एसओपी है उसके बाद सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी चेन्नई वाला ये भी एसओपी है और ये तुम्हारे पुराने घर का रिकवरी हुआ ये आपका सेवेंटी परसेंट टैक्सेबल हो जाएगा क्वेश्चन बड़ा था सॉल्यूशन बड़ा नहीं है क्वेश्चन बड़ा था सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं दो तो एसओपी है और एक वो रिकवरी है इससे ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया प्री कंस्ट्रक्शन की जगह क्या आया प्री परचेज पीरियड तो आप एक काम करो ना जहां आपने वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का पॉइंट लिखा था ना इंटरेस्ट में कहीं पे लिखा था पॉइंट नंबर सेवन था या कोई था करके कौन सा वाला पॉइंट था एच के बाद में लिखा था तो जहां लिखा था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो जहां कंस्ट्रक्शन वर्ड लिखा था वहां ब्रैकेट में ऊपर लिख लीजिए प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट वहां लिख लीजिए ब्रैकेट में प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट तो वहां पे लिख लीजिएगा प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने करा लिया 19 तक सब क्वेश्चन हो चुके हैं 20 जो है वो आप होमवर्क में करके आएंगे आज 20 आपका होमवर्क है एंड क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है 21 तो बहुत ही ईजी है ये वो वाला है जिसमें तीन एसओपी है तो आपको तीन बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा दो को एसओपी लो एक को डीएलओपी दो को एसओपी एक को डीएलओपी दो को एसओपी एक को डीएलओपी अब यहां प्रेजेंटेशन मैंने आईसीआई वाला दे रखा है आईसीआई बोलता है कि चलो एक काम करते हैं पहले एक काम करते हैं उन्होंने ऐसा हाँ, ही किया है उन्होंने क्या किया एक वर्किंग नोट बना के पहले तीनों को डीएलओपी ले लिया मतलब ऐसा कैसे हो सकता है पता तुमको हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री अगर ये डीएलओपी होते एक वर्किंग नोट में उन्होंने ये बना दिया क्योंकि अगर आपको पूरा फॉर्मेट तो सिर्फ डीएलओपी के लिए चाहिए तो डीएलओपी के लिए उन्होंने पूरा फॉर्मेट बना दिया कि ये डीएलओपी तो इतना ये डीएलओपी तो इतना ये डीएलओपी कितना तो है अब उन्होंने तीन क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व कर दिए कि हाउस प्रॉपर्टी वन और टू एसओपी है तो इंटरेस्ट कितना अलव होगा और हाउस थ्री डीएलओपी है तो यहां से ले लिया सीधा आप घर पे जाके जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन मेरी साइड से दो क्वेश्चन बचे हैं ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री कल मैं आपको ये दो क्वेश्चन कराऊंगा कल मैं आपको ये दो क्वेश्चन कराऊंगा एक वाला ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री एंड उसके बाद में उसके बाद में जो थियरिटिकल थोड़ा सा पार्ट बचा है वो कराऊंगा और परसों से फिर अपन नए टॉपिक पे जाएंगे आज के लिए इतना बहुत है आप लोग जा सकते हैं आज के लिए इतना बहुत है आप लोग जा सकते हैं